और भाजपा के लोग कह रहे हैं अब हम यहाँ पे भी राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। समझती हूँ कि भाजपा की जो सरकार है उसे जो जमीनी मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, जैसे कि युवाओं की नौकरियाँ हैं, जैसे कि सरहद पे जो आज भी जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हमने पुंछ की घटना देखी है अभी, जहाँ 4 हमारे शहीद हुए हैं जवान आर्म फोर्सेस के लोग, और वहीं जहाँ 3 सिविलियंस को भी मारा गया है, जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थगित स्थापित हुई है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी कि इन 3 सिविलियंस को क्यों मारा गया है, और जहाँ अभी भी सिचुएशन जो है पूरे देश भर में सही नहीं है, जहाँ हमारा मणिपुर का जो पूरा किस्सा है जहाँ पे अभी भी पीस नहीं आया है, तो मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जहाँ लोग पौष्टिक आहार से वंचित हैं, जहाँ पढ़ाई बच्चों को सही से नहीं मिल पा रही है, जहाँ हमारी महिलाएं हैं, जहाँ उनके आरक्षण की बात हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ इन जनरल जो आरक्षण होना चाहिए, जो OBCs का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण है, जहाँ सरकारी नौकरियाँ नहीं है, अगर आप आरक्षण दे भी देंगे तो जहाँ निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ लोगों की जिंदगियाँ बदलनी चाहिए थी, जो लोगों को खुशहाली के रास्ते में जाना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं हो रहा, तो ध्यान भटकाने वाली बातें लगातार आती रहेंगी, और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता और बढ़ती बढ़ेगी। 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में कर रही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का नाम दिया गया है और पूरा श्रेय ले रहे हैं राम मंदिर का, क्या आप क्या कहना चाहते हैं, श्रेय उनको जाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे, जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है, तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय से ही समय। 2024 के चुनाव की लगभग तैयारियां हो गई हैं, आप भी वर्तमान में सांसद हैं मैनपुरी से, और आगे की तैयारी कैसे चल रही है? मैं समझती हूँ बढ़िया चुनाव होगा मैनपुरी से, और बढ़िया तरीके से पूरे प्रदेश में भाजपा का कट्टर मुकाबला करेगी समाजवादी पार्टी।